करे। सुन ले मेरी अर्जी, आगे तेरी जो मर्जी, मैं तन्हा था तन्हा ही रहा। सैयारे 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 बेदर्दी सैयारे सैयारे बीबी जी जूस। हाँ ठीक है जैसे तू कहे। अल्लाह अंधी हो गई है क्या? हाँ टूटे तेरे। माफ कर दे बीबी जी गलती हो गई। कोई काम ढंग से नहीं करती, साफ कर इसे। जी जी अभी करती हूँ अभी करती हूँ। मनुष मुझे तमीज सिखा रही है, कब से उठा रही उठ ही नहीं रही है, काम से देर हो रही है मुझे। बीबी जी मेरा इंतजार कर रही होंगी। और मैडम उठ के ना दरवाजा बंद कर लो, सारा दिन पड़ी सोती रहती है नेस्ती की मारी हुई। मनुष चल उठ के दरवाजा बंद कर। क्या मुसीबत है, किस मनुष घर में पैदा हो गई है रूही। प्यारा ख्वाब देख रही थी और इस सम्मान ने मेरे सारे ख्वाब पे पानी फेर दिया। पता नहीं कब पूरे होंगे रूही के ख्वाब। वाह अनीशा, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। तुमने इस कहानी को कितनी खूबसूरती से बनाया है। तुम वाकई बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट हो। थैंक यू सो मच निर्मल।
आखिर बहन किसकी है? बहन तो आप ही की है, लेकिन आज वो जिस मकाम पे मौजूद है उसका सारा क्रेडिट मुराद को जाता है। हाँ ये तो है, मुराद ने अनीशा के ना सिर्फ टैलेंट को समझा है बल्कि इसे पूरा पूरा सपोर्ट किया। ऐसा हस्बैंड किस्मत से ही मिलता। हाँ वो तो है, अब पर वो है कहाँ? I can't see him anywhere. उसको तो बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था ना। मैं कॉल करती हूँ। क्या हुआ? मुराद से बात हुई? नहीं भाई, he's not answering my calls. तो तुम इतनी अपसेट क्यों हो रही हो? नहीं भाई, आज से पहले ऐसा नहीं हुआ। मुराद अगर मीटिंग में भी हो तो मेरा फोन जरूर उठाते हैं। और आज तो इतना इम्पोर्टेंट दिन है, उन्हें होना चाहिए था यहाँ मेरे लिए। हाँ होना तो चाहिए था, पर कहीं फंस गया होगा वो। दिल छोटा मत करो, जैसी मीटिंग से फ्री होगा यहाँ आ जाएगा। ओके आज के दिन भाई। भाई एक सेकेंड में। एना, यस मैम। ये पेंटिंग किसने सेल की है? मैंने आपको मना भी किया था कि ये पेंटिंग बेचने के लिए नहीं है। सॉरी मैम, भूल गई थी मैं। जिसने भी खरीदी आप प्लीज उसे रिफंड करें, मैं ये पेंटिंग नहीं बेचना चाहती। Well, that's not fair. अगर आपने इस पेंटिंग को सेल ही नहीं करना था तो एग्जीबिशन में लगाए क्यों? मैंने कहा ना कि मुझे ये पेंटिंग नहीं बेचनी। हाँ लेकिन आपको तो मेरी कदर करनी चाहिए। एक आर्टिस्ट की फीलिंग्स को समझा है मैंने इस पेंटिंग में। जैसे कि इस पेंटिंग को देख लीजिए, इस पेंटिंग इज फुल ऑफ इमोशंस। ऐसा लगता है किसी ने अपने सारे एहसास, सारे जज्बात इसमें डाल दिए। तब मैं उसकी बहुत कदर करती हूँ। एना ये पेंटिंग इन्हें दे दें। ओके मैम। अनीशा क्या हो गया यार? तुम्हारी एग्जीबिशन सक्सेसफुल क्या हो गई? तुमने तो आंखें फेर दी। आंखें मैंने एग्जीबिशन की वजह से नहीं, आपके लेट आने की वजह से मेरी। अरे लेट क्यों आया, ये तुमने मुझसे पूछा क्या? पूछने वाली हूँ, कहाँ थे आप? मैं हमेशा की तरह तुम्हारे दिल में। और कहाँ? क्या? अरे अनीशा बस बातें करवा लो, बताएं क्यों लेट हो गए, कहाँ थे आप और फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे अगर तुम्हारी कॉल रिसीव कर लेता तो तुम्हें पता चल जाता ना कि मैं यहीं पर आ रहा हूँ। छोड़ो ना, मुंह ठीक करो प्लीज यार, क्या हो गया तुम्हें? मुराद आप कौन हैं, क्या हैं? जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, तुम्हारा हूँ। वाह क्या कमाल के हस्बैंड हो, इतनी प्यारी बीवी को कोई इस तरह सताता है? मैं बताऊँ ना भाई, बहाने क्या बना रहे हो? अरे कैसे दोस्त हो यार, वक्त आने पर साला बन जाते हो। कभी तो दोस्त की साइड भी लिया करो, मुसीबत में फंसा हूं, बचाना यार। नहीं नहीं नहीं, कोई दोस्त वोस्त नहीं, दोस्त की बहन से शादी कर ली है ना, तो अब साला और बहनोई बस। जी कहाँ फंस गया मैं ससुरालियों में। बस कर दे मुराद, एक तो आप इतनी देर से आए, ऊपर से एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, हद होती है वैसे। अरे सुनो तो,
मगर वो देखा ना, अब जब लेट आऊंगा तो नाराज तो होगी, मनाना तो पड़ेगा। May I? Yes, please. Thank you. बहुत गुस्सा आया हुआ है आज। ये देखो कान पकड़ लिए मैंने, कह रहा हूं ना बाबा आज के बाद वक्त से एक घंटा पहले आ जाया करूंगा, प्लीज माफ कर दो। आज तो माफ करें, लेकिन आइंदा कभी माफ नहीं करें। मैं आज के बाद ऐसा मौका ही नहीं दूंगा, हमेशा वक्त पर पहुंचूंगा। तो एक बात है, उससे मैं ना और ज्यादा हसीन लगती हूँ। मैं ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं आपको, चलें सब वेट करें। अरे थोड़ा वक्त अपनी बीवी के साथ प्राइवेटली गुजारना चाहता हूँ। आजा अंदर, मुझसे ऐसे डरी है जैसे मैं कोई बला हूं। बला ही तो है, एक खूबसूरत बला। कैसी दोस्त है, तू मेरी तारीफ करी है या बुराई? बुराई। जल जल के मजे रहो तुम लोग तो। हाय अल्लाह, भाई मैं क्यों मरूंगी जल जल के? मरेंगे तो सारे मोहल्ले के लड़के जो तुझ पे मरते हैं पहले से। मेरी बला से मरते हैं तो मरते रहे। इसी वजह से मैं तुझे बला बोल रही थी। तू बड़ी संगदिल है, तुझे अपने सिवा कोई दिखाई ही नहीं देता आसपास। दोस्त है दोस्त बन, माँ बनने की जरूरत नहीं है मेरी। मेरे बस में हो तो मैं तेरी दोस्त भी ना बनूं। हाँ एक मारूंगी। बढ़िया ही, जैसे बचपन से मेरा साथ दे दी ना वैसे ही देना पड़ेगा। जब तक रूही अपने ससुराल नहीं चली जाती, समझी ना? हाँ हाँ समझ गई बाबा, ठीक से समझ गई। कितनी जल्दी मैं आई थी मैं तेरे पास तुझे बुलाने के लिए। अम्मा ने बच्चों का जहेज लगाया हुआ है, कहीं ऐसा ना हो सारा पैक कर दें वापसी। सारी औरतें देख के जा चुकी हैं, तुझे दिखाना है, चल अब जल्दी से। हाँ तो बातें तो तू ऐसे करिए जैसे ट्रक भर के जहेज देने वाले, वही टूटी हुई दो चार पहियां होंगी जो इस मोहल्ले की हर लड़की को जहेज मिलता है। नहीं रूही, तुझे कोई गलत फहमी हुई है, इरफान भाई ने शहर की सबसे बड़ी दुकान से बनवाया है। हाँ तो क्या है? सट्टे में जीता सट्टे में हार भी जाएगा, उसका कोई भरोसा है? तुम्हारे मुंह में खाक रूही, अल्लाह ना करे ऐसा हो। माना मेरा भाई बुरे काम करता है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो अपनी बहन को जहेज दे और वापस भेज दे। हो गई भाई की वकालत, मेरे लिए ना वो बुरे का बुरा ही है, समझ गई? चल अब देर हो जाएगी, वरना मैं भी तो देखूं जाके बड़ी दुकान। आ जा दिखाती हूँ। लो अभी घर से कदम बाहर नहीं निकाला कि अम्मा को फौरन पता चल गया। हेलो हेलो। हाँ रूही कहाँ हो तुम? अम्मा अब तक तो उसी ताजमहल में खड़ी हूँ जहाँ सुबह तुम मुझे छोड़ के गई थी। अभी इन खूबसूरत हदों से बाहर निकलने ही वाली थी कि तेरा फोन आ गया। अरे हराम खोर, जो अपना घर होता है ना वो ताजमहल से कम नहीं होता, समझी? अच्छा अम्मा, अच्छा अच्छा, कोई जरूरी बात नहीं करनी ना तो मैं फोन रख रही हूँ। अरे जा जा दफा हो जा, चली जा। अल्लाह हाफिज। हेलो रूही, कमबख्त इतनी जल्दी फोन बंद कर देती है, पता नहीं क्या है मेरी माँ को हर वक्त। चल चल। हेलो
नेमन और भाई हुज़ैफा को लेकर घर आ जाते। लेकिन एक बात है, एग्जीबिशन बहुत अच्छी गई। हाँ, ये अच्छी बात है आज के दिन में। आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। बीबी जी, मैंने आपके ना कपड़े तैयार करके रख दिए, आप फ्रेश हो जाएं तो फिर मैं चाय ले आती हूँ। नहीं, चाय अभी नहीं, हम बहुत ज्यादा थक गए हैं। मुराद भी अभी चाय नहीं पियेंगे, बाद में पी लेंगे। ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है, उसी की वजह से ये इतनी नाजुक मिजाज हो चुकी है, थोड़ी एहतियात करें आप। कैसी बात कर रहे हैं साहब जी, माशाल्लाह से आप दोनों की जोड़ी तो चांद और सूरज की जोड़ी है। अल्लाह नजरे बस से बचाए बस। आमीन आमीन। अच्छा यार, मैं जरा चेंज कर लूं। ओके। अब बीबी जी, वो निमल बीबी और वजी साहब नहीं आए आपके साथ? मैं तो समझी थी वो भी आएंगे। नहीं, वो उन्हें हुज़ैफा को लेना था ना, इसीलिए वहाँ चले गए, घर नहीं आ सके। अच्छा बीबी जी, जब आपको चाय पीनी हो ना तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ले आऊंगी। जरूर बता दो। देखा कैसे घूर रहे थे वो लफंगे तुझे, तो घूरने दे, भाड़ में जाए। इसीलिए मना करती हूँ मैं तुझे, इतना बन सवर की ना ये नहीं निकला कर तू। ओ, इन फकीरों कंगलों के लिए इतना सच कर नहीं निकलती है रूही। रूही तो इसलिए इतना सचती है, ना जाने कब उसके ख्वाबों का शहजादा उसके सामने आ जाए। ख्वाबों का शहजादा, और वो भी इस बस्ती में? मजाक कर रही है ना तू? तुमने सुना नहीं है हमारी माएं क्या कहती हैं, अगर किसी चीज की शिद्दत से चाहत हो ना तो वो मिल ही जाती है। हाँ, लेकिन वो नेक चीजों की बात करती हैं, तेरे दौलत से भरे हुए ख्वाहिशों के ढेर की नहीं। भाड़ में जाए दुनिया, मैं तुझे बता रही हूँ, एक दिन ना अचानक से मेरे ख्वाबों का शहजादा मेरे सामने आ जाएगा। क्या कहा? मैं तेरे ख्वाबों का शहजादा? आए, बता दे अपने भाई को, 100 बार अपनी किस्मत और मुंह धोकर भी आएगा ना तब भी रूही का शहजादा नहीं बन सकता। बड़ा आया, हट भाई, कुछ तो लिहाज किया करो। माना पसंद करते हो उसको, लेकिन उससे पहले दोस्त है वो मेरी। अजीब, मतलब भाई तू भी कुछ भी करता है। शहजादा, रूही के ख्वाबों का शहजादा। देखा रूही, तुम्हारे कपड़ों से भी मैं कितनी मोहब्बत करता हूं, कितना संभाल संभाल के प्यार से तुम्हारे जोड़े को सिया है। तो सोचो, मैं तुम्हारे जोड़े से इतनी मोहब्बत कर सकता तो तुमसे कितनी करता हूं। तुम्हारा कितना ख्याल है। किधर है ये इकबाल गदा, किधर है? शक्ल दिखाओ उस मनहूस की, किधर है? अरे अरे अरे, इतना गुस्सा क्यों? गुस्सा क्यों ना आए, इतने दिनों से अपना जोड़ा देकर गई हूँ, सिलाई नहीं अभी तक। अच्छा, मैंने तो जोड़ा कल ही उसे काट कर दे दिया, क्या सिला नहीं? काट कर क्यों दे दिया, सिल नहीं सकता था तुझसे? पूरी दुनिया जहान के तो कपड़े सीता, एक रूही का जोड़ा नहीं सिल रहा। मुझे लगा कि तुम मुझसे सिलवाना ही नहीं चाहती हो, तुम्हें मेरे हाथ की सिलाई पसंद ही नहीं है। लो, खुद से ही सोच लिया, अगर पसंद ना होता तो किसी और दर्जी से ना सिलवा लेती। क्या तुम्हें मेरे हाथ की सिलाई पसंद है? तब लिख के दूं क्या? नहीं नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसी कह दो। कोई जरूरत नहीं है, कपड़े वापस दो, मेरे किसी और से सिलवा लेगी रूही। ऐसे कैसे, मेरे होते हुए कोई और टेलर तुम्हारे कपड़े सिए? ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रूही सिर्फ मेरी है, तुम्हारा हर काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं।
आज तो बकवास कर दिया। आज के बाद ये बात बोली ना तो इस दुकान में कदम नहीं रखूंगी। और रूही ना सिर्फ अपनी है और किसी की नहीं हो सकती, समझ ले। अब क्या देख रहा है, कपड़े दे मेरे, वापस लेकर जाऊंगी। मैं सुबह ना सिल के खुद पहुंचा दूंगा, मैं खुद आऊंगा। आखिरी मौका दे रही हूँ, अगर सुबह तक कपड़े ना आए ना घर तो तेरी दुकान पे लटके ये सारे जोड़े रूही उठा कर ले जाएगी। ले जाओ, सब कुछ तो तुम्हारा ही है, जो दी चाहे ले जाओ। सुन। हाँ रूही। रूही के ख्वाब देखना छोड़ दे, रूही तो हवाओं में उड़ने के लिए पैदा हुई है, तेरी इस झोंपड़ी में रहने के लिए नहीं। बढ़ाया दर्जी, मुझसे में भी कितना प्यार है। बुआ खाना बहुत अच्छा बना। So good. मैं सोच रही हूँ बुआ से मैं भी कुकिंग सीख लूँ। बेबी जी आप खाना बनाना सीखेंगी तो फिर मेरी तो छुट्टी हो जाएगी ना। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आप जैसे सच्चे और मेहनती लोग बहुत कम मिलते हैं, आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आप लोग भी तो बहुत अच्छे हैं ना बेबी जी। शुक्रिया। वो सुबह आप कुछ कहना चाह रही थी, पैसे चाहिए आपको? नहीं बेबी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो चौकीदार है ना, एक हफ्ते की छुट्टी मांग रहा था, उसकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उसे? बच्चा होना वाला ना उसके घर में। ठीक है, आप उसे कह दें एक हफ्ते के लिए चला जाए, लेकिन जब वापस आए तो हमारे लिए मिठाई जरूर लेकर आए। मैं चौकीदार को बता कर आती हूँ जी। मुराद, सोच रही हूँ ये लोग कितने खुशकिस्मत है, खाने को बेशक कम है लेकिन औलाद की खुशियों से माला माल है। ये दरवाजा क्यों खुला है? है मेरे बच्चे, रूही, रूही कहाँ है? है कहाँ है तू? रूही, रूही, है तू, तू, तू अंदर बैठी है? क्या हुआ अम्मा, इतना हाँप क्यों रही हो? है मेरी जान निकल गई और मुझे कह रही है हाँप क्यों रही हो? है बाहर चौपट दरवाजा खुला हुआ था, बंद क्यों नहीं किया? हाय अम्मा, भूल गई थी। अरे कैसे भूल गई, कैसे भूल गई? हजार बार समझाया कि दरवाजा अंदर से बंद रखा कर, मगर तू ना मेरी कोई बात सुनती नहीं है, तेरी समझ में नहीं आती। हाँ तो अम्मा, तेरे इस घर में कौन से खजाने पड़े हैं जो लुट जाएंगे? अच्छा खजाना, ये शकल आईने में देख, 19 की है, अब 20 में लगोगी। अरे लोग तो भूख में कचरे पे पड़ा हुआ खाना भी नहीं छोड़ते, तू तो फिर भी जवान और खूबसूरत है। अरे कब तक तेरी रखवाली करूंगी मैं, कब तक तेरी हिफाजत करूंगी? अरे बंगले पे काम काज करूं, रोटी रोजी कमाऊं कि तेरी रखवाली करूं मैं? अरे क्या करूं मैं, कैसे समझाऊं तुझे? तुझ पर तो कोई असर ही नहीं होता मेरी बात का, कुछ अकल कर ले। हाँ तो अम्मा, तुझे कौन सी अकल है? जब अब्बा बीमार हुआ था तो 3 लाख रुपए लगाकर भी तू उसे ना बचा सकी, उल्टा उस कमबख्त इरफान की कर्जदार हो गई, ये होती है अकल? अच्छा ताने तो ऐसे दे रही है जैसे कर्जा उतारने मेरा हाथ बटा रही हो। मैं क्यों बटाऊंगी, तेरा शौहर था और ये ख्याल मुझे नहीं आया था कर्ज लेने का। हाँ वो तो सिर्फ मेरा ही शौहर था ना मरने वाला, तेरा तो बाप था ही नहीं। अच्छा अम्मा, अब ज्यादा बहस मत कर। अच्छा मेरी प्यारी अम्मा, खाना तो बना दे, पता है पेट में चूहे दौड़े, कुछ नहीं खाया हुआ मैंने। रूही, रूही बहुत बेशरम हो गई है तू, तेरे तो दीदों का ना पानी मर गया। अरे थकी आ रही आई हूँ मैं काम से, बजाय ये कि माँ को पानी पूछे मेरा हाथ बटाए, ऊपर से कह रही है मुझे खाना भी बना के दो। अम्मा कुछ तो मेरा सोच लिया कर, तेरी इकलौती औलाद हूँ और ये बार बार बंगले जाने के ताने ना दिया कर। तुझे याद नहीं है जब तू बीमार हुई थी तो मैं गई थी,
वहाँ पर बंगले में। अच्छा, बड़ा एहसान किया था तूने मेरे से, हैं? बड़ा मार का मारा था। बीबी जी तो घर पर अकेली थी और साहब जी दूसरे शहर गए हुए थे, ना खाना पकाना ना कोई काम ना काज। प्यार से तुझे अपने पास बिठाया था और फिर ड्राइवर के साथ छुड़वा भी दिया था। हाँ तो सही है अम्मा, आइंदा फिर मुझसे उम्मीद भी मत रखना कि तुझे जरूरत हो और मैं जाऊँ वहाँ पे। तेरी बीबी शिबी जी के कहने पर भी नहीं जाऊंगी मैं। अच्छा अब खाना बना दे प्लीज, बहुत भूख लगी है। अल्लाह तुझे अकल दे रोही, बैठी रहे मनुष्य यहाँ पर महारानी बन के, कैसी मनुष्य औलाद टकरी है मुझे। बनाती हूँ कुछ, आवाज दे दो ना जब बन जाए। नेल पॉलिश तो लगा लूं। ये तस्वीर यहां कितनी अच्छी लग रही है ना, इसको यहीं लगाते हैं। काशे वजूद जीता जागता, हंसता मुस्कुराता, गिरते समरते अपने छोटे छोटे हाथों से हमारी तरफ लपकता। सॉरी मुराद, मैं आपकी जिंदगी की ये तस्वीर मुकम्मल नहीं कर सकी। मुझे एहसास है मुराद, आपकी जिंदगी की सुधूरे पद की मैं मुजरिम हूं। इतने साल गुजर गए हैं मैं इसी स्ट्रगल के अंदर, तो समझ में ही नहीं आता कि खुद को तसल्ली दूं या तुम्हें दिलासे, लेकिन हम दोनों तो नॉर्मल है ना। हमारी जिंदगी की इस कमी की वजह ना तो तुम हो ना मैं, पर तब तक अपने आप को इसका मुजरिम करार देती रहूंगी। प्लीज अपने घर को मुकम्मल देखने की ख्वाहिश को मैं दफा नहीं कर सकती। कैसी आजमाइश है मुराद, हमारे पास सब कुछ है लेकिन मैं भी खाली पन। लेकिन मेरी जिंदगी में तो कोई खाली पन नहीं। तुम जानती हो ये उसी दिन मुकम्मल हो गई थी जब मेरी जिंदगी में आई थी, तुमने जैसे मेरी हर कमी को पूरा कर दिया, मुझे मुकम्मल कर दिया। वक्त आ गया है कि तुम भी मेरी तरह जीना सीखो। सच तो यह है कि तुम्हें वहम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की। ये जो हम दोनों की कहानी है ना, इसमें बस हम दोनों हैं और कोई नहीं। सवेरे सवेरे कैसे उठ गई आज, वरना तो सारा दिन नेस्तियों की तरह बिस्तर तोड़ती रहती है। सुबह हुई नहीं है तो शुरू हो गई है, कभी कभी तो मुझे लगता है तू मेरी माँ ही नहीं है। फिक्र मत कर, तेरे बारे में मेरा भी यही ख्याल है। और क्या करूं बता, क्या चाहती है? इतना प्यार तो करती हूँ तुझसे, और क्या चाहती है तू? पता है सारा मतलब का प्यार है तेरा, आज फिर कोई काम आन पड़ा होगा माँ से। कितनी समझदार है तू अम्मा, इसी तरह दिल खोल के नोट तो निकाल दे। क्या, और अभी कुछ दिन पहले जो दिए थे वो उनका क्या किया? हो बताया तो था
वो तो माइयों का जोड़ा ले लिया था, भूल भी गई। लो हर वक्त तो दिमाग खराब किए रखती है, ये चाहिए वो चाहिए, अरे कहाँ याद रहता है मुझे। मेरी पक्की सहेली की बहन की शादी है, ऐसे ही मुंह उठाती चली जाओ, अब तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। देख बेटा जितनी चादर हो ना उतने ही पांव फैलाने चाहिए, ज्यादा ख्वाहिशें मत बढ़ाओ। तू ही की ख्वाहिशें तो इतनी बड़ी बड़ी हैं, तेरी वजह से काबू में रखती हूँ, इसीलिए तो बारात के सूट के पैसे नहीं मांग रही। चलो शुक्र है एक अच्छे से तो जान छुट्टी। जान कैसे छुट्टी, सूट के पैसे नहीं मांगे लेकिन सूट तो मांगूंगी ना। क्या मतलब है तेरा इस बात का? अम्मा तू अपनी अनीशा बीबी से कहना कोई एक जोड़ा दे दे चमकता हुआ, ऐसे रूही पहन के जाएगी क्या वाह होगी रूही की। रूही तेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने आज तक कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। अरे ये तो उनका एहसान है कि अपनी खुशी से कुछ ना कुछ दे देती है, मैं क्यों मांगू। एहसान? कैसा एहसान? खुद जो तुम वहां पे दिन रात दौड़े लगाती हो, उनके घर के काम करती हो, और वैसे भी जब से तुम इनके घर जाने लगी हो ना 10-10 बरस से पहले तो तुम घर नहीं आती हो, और ये कैसा एहसान हुआ? अगर वो तुम्हारे लिए कुछ थोड़ा कर देंगे तो कौन सी कोई कयामत आ जाएगी, और वैसे भी तुम ही तो कहती हो कि बीबी जी की अलमारी में इतने चमकदार और इतने सारे जोड़े, तो अगर एक आधा दे देगी तो क्या फर्क पड़ेगा। वो सब मैं नहीं जानती, मेरी जान भी चले जाए ना कभी नहीं मांगूंगी। वैसे अम्मा देख, अगर तू तो अपनी बेगम साहिबा की अलमारी में से एक सूट फिर भी लेना, मैं कसम खाती हूँ उनको पता भी नहीं चलेगा। अम्मा मैं सत्यानाश हूँ, तेरा कमबख्त उल्टे उल्टे मशवरे देती है। मुस्मारी अल्लाह मैं क्या करूं, मैं खाना पीना हराम कर दिया मेरा। रूही जरा भी शर्म नहीं है तुझमें, अरे माँ को अब ना चोरी सिखाएगी, ये तरबियत की है मैंने तेरी, तो इसमें क्या बुराई है, दिन रात उनकी खिदमतें नहीं करती। बुराई ये है कि तू इस घर में ना मेरी बेटी बनकर पैदा हो गई है। अरे खाला, नहीं खाला क्यों मेहनत करके थक रही है खाला, अब मुंह से भी तो समझा सकती है ना, मारे मत बल्कि मैं समझाता हूँ। अरे मेरे कहने में तो ये है नहीं, तेरे कहने में क्या खाक आएगी। हाँ ये भी है लेकिन मारे नहीं ना। तू इतनी हमदर्दियाँ ना कर, ये बता कपड़े लाया? नहीं नहीं कपड़े तो नहीं लाया मैं। तो फिर यहाँ क्या करना है, चल निकल यहाँ से। अरे रूही खाला ने बुलाया मुझे, वो बिजली का बिल जमा करना है ना। हाँ तो बिल थमाओ इसको, चलता बनेगी यहाँ से। देख खबरदार जो तूने इसको कुछ कहा तो, अरे घर का बच्चा है ये, कोई मुलाजिम नहीं है इस घर का, भांजा है मेरा। हाँ तो क्या करूँ, नजर उतारूँ इसकी? हाँ तो उतारना नजर, हमारे काम के लिए अपने काम छोड़कर दौड़ा फिर रहे। और हाँ काम से याद आया, तुझे जो भी चीजें लेनी है ना इसके साथ बाजार जाकर ले आएगी। बार बार मेरी जिंदगी का अजाब मत बनना। ए बेटा जैसे बाजार ले जा। जी जी मैं ले जाऊंगा। ले क्या जाएगा, अभी लेके चल, मैं बस कपड़े बदल के आ रही हूँ, चलते हैं। आए, आए। खाला क्या अजीब लड़की है, अभी इसको यहाँ मेरा खड़ा होना गवारा नहीं था और अब मेरे साथ बाजार जाने को तैयार है। बेटा तेरा ही हौसला है जो इसकी बदतमीजियां बर्दाश्त कर रहे हो, और तूने ही सर पे चढ़ा रखा है। अरे नहीं वरना इसकी मजाल थी जो इतने नखरे दिखाती तुझे। अच्छा बैठ मैं तेरे लिए चाय बना कर लाऊं। नहीं ना रहने दीजिए, तकल्लुफ मत कीजिए आप। अरे बैठना बेटा मैं बना कर लाती हूँ, अभी लेकर आई। अरे तुम ये काम क्यों कर रही हो, बुआ कहाँ है? बुआ किचन में आपका लंच पैक कर रही है, तो सोचा जूस मैं ले आऊं। मुराद ऑफिस जाना बहुत जरूरी है क्या? हाँ यार बहुत जरूरी है, पता है 2-3 मीटिंग्स हैं और बहुत से काम है। बात सुने आपके पास एक और मीटिंग का वक्त होगा। किसके साथ? मेरे साथ। कहाँ जाना? डेट पर जाना चाहती हूँ आपके साथ।
शादीशुदा मर्द के साथ फ्लर्ट कर रही हैं आप? देखिए मेरी जो बीवी है ना, बहुत हसीन है लेकिन बहुत खतरनाक भी। मेरे बारे में बहुत पजेसिव है, उसकी नजरों से एक सेकंड के लिए भी ओझल हो जाओ ना तो ढूंढती ढूंढती आ जाती है, और अगर इस वक्त यहाँ आ गई ना तो आप गई। कुछ नहीं होगा, थोड़ी बहुत बेवफाई तो हर मत कर ही लेता है ना। ना 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 ना, मैं तो बाकी मर्दों की तरह नहीं हूँ, मैं अपनी बीवी से बिल्कुल बेवफाई नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, डरते हो उससे? नहीं, डरता नहीं, मोहब्बत करता हूँ, बेइंतहा मोहब्बत। जब मौका तो दो, इतना प्यार दूंगी कि आप उसका प्यार भूल जाएंगे। Really? आपस की बात, आप जैसी हसीन लड़की इतनी बड़ी ऑफर कर रही है, ठुकराना मुश्किल हो रहा है। मुराद, क्या मतलब है इस बात का? कोई भी खूबसूरत लड़की आपको इतनी आसानी से काबू कर सकती है? अरे यार, इतनी जल्दी कैरेक्टर से क्यों बाहर आ गई? अभी तो मेरा, सुनो, चार की इजाजत है, फिर भी इतने साल से एक ही के साथ निभा रहा हूँ, क्या मेरी ऑनेस्टी इससे प्रूव नहीं होती? रात खबर था, खबरदार, अगर आपने ये बात मजाक में भी की ना तो मैं यहीं से धक्का दे दूंगी। अरे मुझे क्यों धक्का दे रही हो? ये मजाक शुरू किसने किया था? ऑफिस नहीं जाना, देर नहीं हो रही आपको? अरे हाँ यार, हमेशा तुम्हारी वजह से देर हो जाती है मुझे। जूस? नहीं, जूस नहीं पी सकता, जूस का टाइम निकल गया है। क्यों? बस अब मैं ऑफिस जाऊंगा, विश मी लक, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं। अल्लाह हाफिज। और सुनो, कोशिश करना शाम को यही वाली लड़की दोबारा आ जाए। बाय। मैं तो कहती हूँ इससे बेच के ना कोई साइकिल ले ले। क्यों? शायद वो ही इससे तेज चल जाए। अरे तुम्हारा ख्याल कर रहा हूँ, कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। तू मत कर मेरा ख्याल, तेज चला ले बस। अच्छा, और अगर तुम उड़ गई तो? तेरे जैसा भारी भरकम पत्थर जिसके साथ हो ना, वो उड़ने नहीं देता। सोच लो। तो ये नो, क्या हुआ, डर लग रहे? नहीं, मजा आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि सबको भी छोड़ दिया रूही ने। अरे सर, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? सर आप टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, उसके बाद हम स्ट्रेटेजी बना लेंगे। जी जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं वो। अरे इंसान के बच्चों के जानवर हो तुम, रोड पे चलते फिरते लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हो? क्या हो गया भाई साहब, आप खुद अचानक मेरी गाड़ी के आगे आ गए थे, मेरा तो कोई कसूर नहीं, आप मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं? अरे गलती तुम्हारी है तो तुम्हें ही बोलूंगा ना, यार किसी और को बोलूंगा। गिरबान छोड़ो मेरा, वरना यहीं खड़े खड़े तुम्हारी सारी अकड़ निकाल दूंगा, समझे? क्या करोगे? हाँ नहीं तो करोगे क्या तुम? हाँ क्या करोगे तुम? तुम्हारे साथ फैमिली है इसलिए शराफत से पेश आ रहा हूँ, अगर अकेले होते ना तो तुम्हारा हशर बुरा कर देता, समझे? क्या फैमिली के बगैर क्या कर लेते भाई, बताओ ना क्या कर लेते? मुसा क्या कर रहा है तू? इसको अपने साथ लेकर जाइए वरना पुलिस बुला लूंगा, इसे अंदर करवा दूंगा। अच्छा बुलाओ, बुलाओ पुलिस को भाई, बुलाओ। क्या कर रहा है मुसा, क्यों तमाशा बना रहा है? अरे रूही तुम्हें कुछ हो सकता था, तुम्हें चोट लग जाती तो फिर? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक खड़ी हूँ। रूही उठा इस खटारे को, चल। माफ कर देंगे, ऐसा ही है। नहीं नहीं नहीं, आप सॉरी मत कहिए प्लीज, कसूर आपका तो नहीं है, आप ठीक हैं, आपको चोट तो नहीं लगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस जंगली को बांध कर रखें, किसी से बदतमीजी करता होगा। क्या है अब इस खटारा को, चलाना। मूसा भाई साहब मदद कर देंगे।
तैयारी।